मिसेस मैरा ने क्या कह दिया? मुझे तो उन्होंने कुछ और ही कहा था। उनकी स्टेटमेंट के बिना हम मिस्टर अभी को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। क्या उनके स्टेटमेंट के बिना? वो कोई जज है कि जो वो बोलेंगे वो फैसला हो गया? लेकिन अब तो I don't want any excuses. मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and that's it. Do you get that? आलिया, one second. कोई और ऑप्शन नहीं है अभी को छुड़वाने का? ऑप्शंस तो है, लेकिन मिसेस मैरा ने ये स्टेटमेंट देके इस केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उनकी स्टेटमेंट मिस्टर अभी को यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो अब उनके अगेंस्ट चली गई है। इससे उनकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। मुझे तो कह रही थी कि वो अपने हस्बैंड की मदद करना चाहती है, और ये आई जस्ट डोंट गेट इट। वो क्या सोचती है कि अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देगी तो क्या मेरा भाई यहीं पर पड़ा रहेगा? चाहे कितने भी पैसे लगे, मुझे मेरा भाई इस जेल से बाहर चाहिए and I am telling you that. Make it happen. ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। I'll call you back. सीम्स की अभी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उसने कल कुछ और कहा और आज कुछ और, यही आते हैं उसे। भरोसा दिला के धोखा देना, पर अच्छा ही किया, उसे लेके मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। पता चल गया कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। मुझे माफ कर दीजिएगा, आज आप मेरी वजह से जेल के अंदर, और मैं आपको बता भी नहीं सकी कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप मेरी वजह से जेल के अंदर गए हैं ना, तो मेरी ही वजह से आप बाहर निकलेंगे। मैं ही आपको जेल से छुड़वाऊंगी। लेकिन कैसे? झूठी स्टेटमेंट देने के बाद अब मुझे कोई बहुत बड़ा सबूत चाहिए होगा इन्हें रिहा करवाने के लिए, लेकिन कहां से लाऊं सबूत? प्रज्ञा जी, नमस्ते, कैसी हैं आप? ऑपरेटर इसे क्या बात कर रहा था? कहीं ये दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे थे? हाँ, तभी इसने मेरे अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। पर तुम चाहो जो प्लान बना लो, जिस दिन मैं बाहर आऊंगा ना, तुम दोनों को एक साथ एक्सपोज करूंगा और फिर इस चश्मे से बदला लूंगा। इस बार मैं इसे माफ नहीं करने वाला। वैसे कमाल करती हैं प्रज्ञा जी आप। हमने सोचा था कि आप एक बहुत सीधी सादी भोली भाली पतिव्रता टाइप की पत्नी हैं, लेकिन आप तो, वैसे एक बात बताइए, आपके पति ने कानून को हाथ में लेकर आपकी फैमिली को, आपको और उस हॉल को बचाया, लेकिन आपने उनके ही खिलाफ स्टेटमेंट देके उन्हें अंदर करवा दिया। जरा सोचा नहीं कि उनपे क्या बीत रही होगी। हाँ, यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि तुम कॉर्पोरेटर होकर कितने ज्यादा बेवकूफ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे पति के रिहा होने पर उन पे हमला करने का प्लान बनाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने तुम्हारी और उस इंस्पेक्टर की बातें सुन ली थी कि इनके रिहा होते ही तुम बाहर भीड़ में अपने आदमी मिलवा दोगे और फिर मेरे पति पर हमला करवाओगे। कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जब तक मैं मौजूद हूँ तुम मेरे पति को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वैसे प्रज्ञा जी, आपने सुना तो होगा ही ना, जरूरत से ज्यादा प्यार भी बहुत खतरनाक होता है। आपने अपने पति को तो बचा लिया, लेकिन अपने हॉल को कैसे बचाएगी? जरा दिमाग लगाइए प्रज्ञा जी। अगर आप अपने पति को बाहर रहने देती तो वो हॉल तोड़ना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता।
लेकिन क्या करें प्रज्ञा जी, आपने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, हाँ, आपने तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। 2 दिन का स्टे ऑर्डर लाया था ना वो, हाँ, 2 दिन में तो पूरी दुनिया टूट जाती है प्रज्ञा जी। ये तो बस एक मामूली सा हॉल है, और आपकी सिचुएशन पे मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, आपके पास ना माया रही ना ही राम। प्रज्ञा जी, पति को बचाने के चक्कर में आपने हॉल को भी खो दिया। मेरे पति को बचाकर मैंने क्या खोया है और क्या पाया है, इसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम समझ ही नहीं सकते। अच्छा? जो इंसान हर चीज में पैसे ढूंढता हो, वो हर काम में फायदा और नुकसान देखता है। प्रज्ञा जी, एक बात बताइए, ये जो टैलेंट है ये खानदानी है क्या? आप और आपके पति भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन प्रज्ञा जी, भाषण से पेट नहीं भरता, उसके लिए राशन लगता है। मैं भी देखता हूँ कैसे बचाती हैं आप अपने पति को और अपने उस हॉल को। आराम से आराम से, अब क्या मोबाइल की भी जान लेंगी? वैसे एक बात आपने बिल्कुल ठीक कही प्रज्ञा जी, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें फायदा और नुकसान दोनों देखता हूँ, लेकिन आप लोगों के मामले में मैंने सिर्फ अपना बदला देखा। याद है बुलबुल की शादी के लिए आप लोगों ने मुझे ठुकराया था, मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि आप लोगों का पहले मैं हॉल हड़पूंगा, उसके बाद आपका घर, उसके बाद आपको और आपकी फैमिली को रास्ते पर लाकर भीख मंगवाऊंगा। लेकिन फिर आ गए आपके श्री राम ये ऑर्डर लेकर। ये ऑर्डर देखते साथ ही मैंने सोच लिया था कि उसको भी तड़पाना तो बनता है, उसे तो मैं फंसा कर रहूंगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को गंदी गंदी गालियां दी ताकि उसे गुस्सा आए, वो मुझे मारे, मैं उसे पुलिस स्टेशन लेके जाऊं, उसके हाथ पैर तोड़ूं। लेकिन अच्छी किस्मत भी कितनी अच्छी होती है ना प्रज्ञा जी, वो बच गया, आपने सुन लिया, उसे बचा लिया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी प्रज्ञा जी, मैंने सोचा जब वो बाहर निकलेगा तो उसी के फैंस के बीच में अपने आदमी डाल के उसे इतनी मार खिलाऊंगा कि जिंदगी भर के लिए उसकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन किस्मत देखिए, वो फिर बच गया। लेकिन अच्छी किस्मत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, जैसे कि आपके हॉल की किस्मत। और अब आप लोगों का हाल ऐसा है कि आपके हॉल को बचाने के लिए चाहिए आपके पति, और पति को बचाने के लिए सबूत, और जब तक सबूत मिलेगा ना प्रज्ञा जी, तब तक आपका हॉल भी टूट चुका होगा और आपके पति की हड्डियां भी। तुम वाकई बहुत ज्यादा बेवकूफ, मुझे अकेला देखकर कमजोर समझ रहे, सबूत तो मैं ढूंढ ही लूंगी, और अपने हॉल को भी बचा लूंगी, अपने पति को भी, और ये सब मैं तुम्हारे सामने करूंगी। अच्छा, देखते हैं भाई, जो अपने पति का इतना साथ देती है, किस्मत उसका कितना साथ देती है, देखते हैं। पापा भी हद कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। इतना टाइम हो गया, हद करते हो पापा, फोन ही नहीं उठा रहे थे। आपको पता था ना कि मैं कितनी परेशान हूं, फिर भी कितना टाइम लगा दिया आने में। और आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि जिन पेपर्स पर मैं राज के साइन करवा रही हूँ वो उस लैंड के पेपर है जो प्रज्ञा की माँ की शादी के हॉल वाले, अभी उसकी वजह से जेल में चला गया। अगर घर में किसी को ये बात पता चल गई ना तो मेरी तो खैर नहीं है। बेटा, मुझे भी कहाँ पता था कि तो मैं तुम्हें इस मुसीबत में फंसाना क्या। अरे मुसीबत तो मेरे सर पे आ गई ना, और मुसीबत छोड़िए, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। देखो बेटा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, लेकिन उसका हल भी तो हमें निकालना पड़ेगा। क्या हल निकालेंगे आप? ये बात सोच सोच कर ना दिन भर में कुछ काम नहीं कर पाई, बस इधर से उधर मेरा दिमाग सिर्फ इसी बात में चल रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं ताकि इस मुसीबत से बाहर निकल सकूं। पापा समझ नहीं रहे, अगर आज को ये बात पता चल गई ना कि मैंने धोखे से उनसे इन पेपर्स पर साइन करवाए, मेरी वजह से प्रज्ञा और अभी मुसीबत में है, तो मैं तो घर से बाहर। 2 मिनट तुम चुप भी रहोगी? तुम ऐसा करो, तुम राज को लेकर कुछ दिनों के लिए मुंबई से बाहर जाओ, मैं तब तक यहाँ पे कोई ना कोई हल निकालता हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना, बाहर जाने की बात कर रहे हैं आप?
जो आदमी मुझे यहाँ मुंबई में जुहू चौपाटी घुमाने नहीं लेकर जाता, वो मुझे मुंबई के बाहर हॉलीडे पर लेकर जाएगा। जिस इंसान के पास में ना वो फिल्म दिखाने के पैसे नहीं है, हॉलीडे के पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा? पैसे मैं दे दूंगा, तुम उसे कह देना कि तुम्हारा किसी लकी ड्रॉ में हॉलीडे पे सही निकला, बस हो गया। मतलब राज ऑफिस से छुट्टी लेगा? तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, बीवी हो उसकी, उसको मना नहीं सकती क्या? तुम्हें उसको लेकर बाहर कुछ दिनों के लिए जाना ही पड़ेगा, और उससे रहते यहाँ पर केस खराब हो गया तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने कुछ नहीं किया। ये कॉर्पोरेटर के आदमी अभी भी यही है? चल दूसरा गाना गाते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? बंद करो यार। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पर कब से हो? देखो भाई, ये जेल तो अपुन का ससुराल है, हर महीने अपुन का आना जाना लगा रहे इधर। अभी 5 दिन पहले तो आया भाई। अरे भाई, मैं तो भाई से भी 2 दिन पहले आया हूँ। भाई अपन को इधर पूरे के पूरे 2 हफ्ते हो गए, और अपन सोचता है कि तेरी फिक्स हो जाओ, बाहर कुछ भी नहीं रखा भाई। अरे चल शुरू हो जाना भाई। ओए मेरे सपनों की रानी कब आएगी? ये लोग इतने दिन से यहाँ हैं और मैं एक ही दिन में पक गया, और पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। ओह माय रूम, माय बेड, माय एसी, माय गिटार, आई मिस यू सो मच। याद करो तो और कौन आ गई? क्या करने आई हो आप? पहले तो झूठी स्टेटमेंट लिखवा कर मुझे अंदर करवा दिया, आप क्या झूठी एफआईआर से मुझ पर केस चलवाओगी? तुम हंस क्यों रही हो? ऑब्वियसली मुझे इस हालत में अंदर देखकर खुशी हो रही होगी ना? मैं खुश आपकी हालत पर नहीं, अपने हालात से, जो कल कुछ और थे लेकिन आज कुछ और। अरे बंद करो अपने बकवास, मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे चिढ़ाने आई हो ना, पहले तुमने रोकर दिखाया, हंस कर दिखा रहे हो, और किसी और की हालात बदले ना बदले तुम तो अपने रंग बदलती रहोगी, है ना? तुम्हारे इस हंसते हुए चेहरे को देखकर मन कर रहा है तुम्हारा गला दबा दूं। दबा दीजिए, कम से कम इसी से आपका गुस्सा कम हो जाएगा। नहीं नहीं दबाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं तुम्हारा गला दबाऊंगा ना तो तुम जाकर मेरे अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवाओगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारी प्लान है। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं ना, उसके बाद मैं डिटेक्टिव मूवीज देखूंगा, उसके बाद मर्डर मिस्ट्रीज देखूंगा, और एक फुल प्रूफ प्लान बना करना तुम्हारा मर्डर प्लान करूंगा बिना कोई क्लू छोड़े। और सिर्फ मूवीज ही क्यों, इतने सारे किताबें हैं तुम्हारे पास, उसमें से कोई जासूसी नॉवल पढ़ूंगा, और मैं नहीं अभी नहीं, क्योंकि जिसका मर्डर करना होता है ना उसकी मदद नहीं लेते, मैं खुद की मदद करूंगा, और बिना कानून के हाथ आए ना तुम्हारा मर्डर करूंगा, एंड आई मेक इट लुक लाइक एन एक्सीडेंट। अगर आपको मुझे मार कर ही खुशी मिलेगी तो यही सही, लेकिन उसके लिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कल मैं खुद आकर आपको यहाँ से निकलवा कर ले जाऊंगी। Am I smiling? I am, but it wasn't funny. इसे सुनकर मेरे टपोरी दोस्तों को भी हंसी नहीं आ रही है। बैठो यार, सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा है। और तुम मुझे बाहर निकलवाओगी? जब बाहर निकलने का मौका था तब तो तुमने मुझे अंदर डलवा दिया, और अब जब बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है तो मुझसे आकर बोल रही हो कि तुम मुझे बाहर निकालोगे। मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब तुम्हारा प्लान है, अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं। तुम अगर तुम चलती हुई चिता पर बैठकर भी मुझसे ये सब कहोगी ना, तब भी मैं तुम्हारा यकीन करूंगा। और प्लीज मेरे लिए केयर मत करना, अपने लिए प्रेयर करना कि जब मैं बाहर निकलूं सच में मेरे हाथों तुम्हारा मर्डर ना हो जाए। आपको अंदर भेजना मेरी मजबूरी थी, लेकिन सिर्फ कल तक। अब मुझे आपको बचाने के लिए सबूत मिल गया, लेकिन मैं आज कोर्ट में नहीं पेश कर सकती, कल कर पाऊंगी। फिर कल सुबह मैं खुद आकर यहाँ से आपको लेकर जाऊंगी। ओ जस्ट शट अप, बंद करो अपने बकवास, पढ़ना भाई। प्लीज मेरी माँ, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। एहसान नहीं कर रही मैं, बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। कल आपने किया, अब मेरी बारी।
चलती। कैसी लड़की है, मुझे फंसा रही है, मुझे बसा रही, बसा रही है, व्हाट इज बसा रही है, बचा रही है। ओह गॉड, शी इज सो कंफ्यूजिंग मैन। हमने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, और जो हुआ वैसा हमने सोचा ही नहीं। अनएक्सपेक्टेडली उस बहन जी ने जो किया है वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ है। कैसे उसने लास्ट मिनट में गवाही बदल दी और भाई वापस अंदर चले गए। आई कांट बिलीव शी मिस्ड अ गोल्डन चांस। हमें तो लग रहा था कि वो भाई के खिलाफ गवाही ना देकर भाई की नजर में सुपरवुमन बन जाएगी, लेकिन वो सुपरवुमन नहीं, एकदम डम वुमन बन गई। आई एम ग्लैड, जो कुछ भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, हमारा काम आसान हो गया। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि भाई के दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, बट उसने जो किया उसके बाद भाई विल हेट हर, नफरत करेंगे भाई उससे। शक्ल देखी थी तूने भाई की? कोर्स देखा था। यू नो समवेयर आई फेल्ट कि वो बहन जी अभी को पसंद करने लगे, लेकिन आज जो उसने किया उसके बाद मेरी सारी चिंता छू मंतर हो गई, इट्स गॉन। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों। व्हाटएवर बी द रीजन यार, आई डोंट केयर। उसने क्या सोचा क्या नहीं सोचा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और वो ये है कि भाई उससे नफरत करता है। अब बस हमें कल सुबह फटाफट से भाई को जेल से बाहर निकलवाना होगा, ताकि भाई को ये लगे कि सबसे ज्यादा हमें फिक्र है उनकी, कोई और नहीं जिनकी मदद वो कर। लुक हूज हियर। वेलकम मिसेस अभि मेहरा, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम इतना बड़ा और काम इतना छोटा। आई मीन तुमने उसे ही नहीं छोड़ा जिसने तुम्हारे फैमिली हॉल को बचाया। इतने कलर तो मैंने रेनबो में भी नहीं देखे जितने तुम्हारे देखने को मिल रहे। सीरियसली मुझे एक बार लगा था कि तुम्हें सच्ची में अभी से प्यार हो गया, पर आज जो हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जो पैसों से करे प्यार वो बाकी सबको करे इनकार, है ना? बट यू नो व्हाट प्रज्ञा, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तुमने हमें एक गुड न्यूज दी, अब हम तुम्हें एक गुड न्यूज देंगे। कल शाम दादी आ रही है, और जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनकी लाडली बहू ने उनके लाडले पोते को जेल भिजवा दिया है, तो वो खुद ही तुम्हें मायके भेज देंगे। और हाँ, कल शाम ना तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा पैकिंग करने का, तो आज ही कर लेना अभी। ओके कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम ना कभी कभी ऐसी चीजें कर देती हो जिसकी वजह से मैं बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। क्या जरूरत थी उसको बताने की कि दादी कल आ रही? अगर उसने लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ चेंज कर दिया ना, तो बाद में हमें ही रोना पड़ेगा एज ऑलवेज। अब ऐसा भी नहीं होगा कि उसे रातों रात कहीं से प्रूफ मिल जाए और हमसे पहले अभी को छुड़वा ले, इट्स इम्पॉसिबल। और वैसे भी अभी की नजरों में तो वो गिर चुका, कल दादी की नजरों में भी गिर जाएगी, और जो इतना गिर जाता है ना वो दोबारा कभी उठ नहीं पाता। दैट्स ऑल्सो ट्रू। बस कल, कल आप घर लौट आएंगे अपने कमरे में, जहाँ की हर चीज आपको याद कर रही, शायद मैं भी। आराम से अब क्या मोबाइल की भी जान लेंगी? लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सच कही थी प्रज्ञा जी, मैं अपने हर काम में फायदा और नुकसान देख के काम करता हूं, लेकिन आप लोगों के मामले में मैंने सिर्फ अपना बदला देखा। जब आप लोगों ने बुलबुल के लिए मुझे ठुकराया था ना, तभी सोच लिया था कि आप लोगों का पहले मैं हॉल हड़पूंगा और उसके बाद आपका घर।
और फिर आपको और आपकी फैमिली को रास्ते पे लाकर भीख मंगवाऊंगा। मैंने पुलिस वालों को कहा था कि उसे थर्ड डिग्री देना, उसे इतना मारना कि उसे आपसे प्यार करने की कीमत समझ जाए। लेकिन देखिए, आपने सुन लिया और वो बेचारा बच गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी प्रज्ञा जी, मैंने सोचा जब वो बाहर निकलेगा तो उसी के फैंस के बीच में अपने आदमियों को डालकर उसे इतनी मार खिलाऊंगा कि मुंह तक नहीं खुल पाएगा।